उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे बंगरा के गायत्री मंदिर परिसर, जहां उन्होंने अखिल भारतीय कान्य कुब्ज वैश्य सभा भोजवाल के तत्वाधान में आयोजित भोजवाल महाधिवेशन एवं परिचय सम्मेलन के मौके पर आए लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने जहां भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता के सामने रखा, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस व गांधी परिवार को आड़े हाथों लिया। सरकार का खजाना खोल करके रख दिया, गरीब के लिए इतनी परियोजनाओं का अंबार लगाने का काम किया है कि अगर मैं जनधन योजना से शुरू करूं और आयुष्मान भारत तक लेकर के आऊं तो सारी योजनाएं गरीबों को समर्पित हैं, गांवों को समर्पित हैं, युवाओं को, महिलाओं को समर्पित हैं, बुजुर्गों को समर्पित हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, हम लोग परिवर्तन यात्रा लेकर के निकले थे और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित देश में जहां जहां चुनाव थे भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय हुई। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 266 करोड़ की लागत से 19 परियोजनाओं का शिलान्यास किया व 3 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। लगभग 40 मिनट के कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री बड़े लाव लश्कर के साथ हेलीपैड पहुंचे और अपने अगले कार्यक्रम के लिए हरदोई रवाना हो गए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में महात्मा गांधी की तस्वीर की दुर्दशा भी देखने को मिली, जिसे ठीक से लगाया भी नहीं गया और तस्वीर बड़ी बुरी स्थिति में लटकती रही, जिस पर उप मुख्यमंत्री सहित किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बंगरा से मिलन परिहार की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।